दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जियो पेमेंट बैंक के बारे में और वीडियो केवाईसी कैसे किया जाता है, वीडियो केवाईसी करते समय क्या क्या प्रूफ मांगा जाता है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन होगा, सारा चीज़ हम इस वीडियो में एडजस्ट कर लिए हैं और आपको ए टू जेड प्रोसेस आपको हम दिखाएंगे। तो जियो पेमेंट बैंक में आप सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, तो उसमें आपको अकाउंट नंबर मिलेगा, IFSC कोड मिलेगा और सबसे मेन बात है कि आपको ATM कार्ड मिलेगा। तो आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे कैसे हमको ATM कार्ड मिला है, कैसे हमको अकाउंट नंबर IFSC कोड मिला है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। जैसे देख पा रहे हैं कि मेरा माई जियो इसमें लॉगिन किया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि लॉगिन किया हुआ है तो इसको अनइंस्टॉल कर दें, लॉगिन किया हुआ तो रहने दीजिए, उसका अनइंस्टॉल करने का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत कोई सोचता है कि अनइंस्टॉल करके हम दोबारा लॉगिन करेंगे, जिस नंबर से हम अकाउंट क्रिएट करेंगे उसी नंबर से ही हम लॉगिन करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम माई जियो को ओपन करते हैं और आपको आगे का प्रोसेस हम दिखाते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ लॉगिन हो रहा है, तो मेरा लॉगिन हो गया है क्योंकि मेरा पहले से ही लॉगिन किया हुआ था। तो हम साइड में थोड़ा सा करेंगे, साइड में जाके बैंक पर हम क्लिक करेंगे। जैसे बैंक पर हम क्लिक किए, यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है, जैसे देख पा रहे हैं नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, मतलब जो है कि आप इसमें अगर जीरो बैलेंस भी रखेंगे तो आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। उसके बाद जो है नो हेडिंग चार्ज, ना कोई पेनल्टी चार्ज है इसमें लगने वाला, जैसे बताया जा रहा है इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार का चार्ज हो इसमें नहीं लगने वाला है। और तीसरा नंबर पर जो नीचे है फ्री वर्चुअल डेबिट कार्ड, तो यहाँ पर जो डेबिट कार्ड जो दिया गया है पेमेंट बैंक आप फ्री में खोल रहे हैं तो फ्री में ही आपको डेबिट कार्ड ऑनलाइन दिया जा रहा है। उसके बाद चौथा नंबर पर सीमलेस पेमेंट, आप जियो पेमेंट बैंक से आप पेमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद नीचे टिक का निशान लगा हुआ है और लेट्स गेट स्टार्ट, इस पर हमको क्लिक करना होगा, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक किए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन आ गया है, तो हम एयरटेल सिम से अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो ऊपर जैसे देख पा रहे हैं कि एयरटेल सिम में मेरा टिक लगा हुआ है, तो टिक रहने देते हैं और प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक किए उसके बाद सेंडिंग SMS फॉर वेरीफाई, मेरा वेरीफाई सक्सेस हो गया है। सक्सेस होने के बाद अगला स्टेप आ गया यहाँ पर सेटअप MPIN, जो MPIN इसमें रखेंगे वही MPIN डेबिट कार्ड में यूज होने वाला है। तो ऐसा MPIN रखिए कि आपको अच्छा लगे और आपके लिए आसान रहे, यहाँ 4 डिजिट का MPIN सेट करना होगा। और नीचे जो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन जो है यहाँ पर अगर एनेबल रखते हैं तो आप घर से काम कर सकेंगे और फिंगर भी लॉक इसमें एक्सेप्ट हो जाएगा। एनेबल कर देते हैं, ऊपर पिन डाल देते हैं, देखे प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। MPIN सक्सेसफुल सेटअप, कि मेरा MPIN सेटअप सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद फिर से दोबारा पेमेंट बैंक का जो ज्वाइन ऊपर फिर से हम क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ क्लिक किए यहाँ अगला यहाँ पर ऑप्शन आ गया है वेलकम टू जियो, मतलब हम क्लिक करते हैं और अगला ऑप्शन पर हम जाते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। तो हम फिर से नेक्स्ट करेंगे और फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद लेट्स स्टार्ट पर हम क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक किए मेरा मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा गया है, उस OTP को इस पर फिलअप कर देंगे। जैसे मेरा ऑटोमेटिकली ले लिया है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर आया है, तो एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है गेट माई डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम डिजी लॉकर, तो हम डिजी लॉकर का ऑप्शन में आ गए हैं। तो यहाँ पर साइन इन करने के लिए 3 ऑप्शन दिया हुआ है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और यूजर नेम। तो हम आधार नंबर से साइन इन करेंगे। आप किसी से भी साइन इन करेंगे आपका मोबाइल में एक OTP भेजा जाएगा, वो भी आपका अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होगा तो आपका काम होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो हम अपना आधार नंबर इस बॉक्स में टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पर हम क्लिक किए, जो आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ है वो नंबर भी यहाँ पर शो करने लगेगा और उस नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को 10 मिनट के अंदर वेरीफाई कराना होगा। वेरीफाई कराने के बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा। हम OTP को यहाँ पर फिलअप कर देते हैं, फिलअप करने के बाद सबमिट पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम सबमिट पर क्लिक किए यहाँ पर एक सिक्योरिटी पिन डालने के लिए कहा जा रहा है, डिजी लॉकर हम बनाए थे उसी पिन को यहाँ पर डालना होगा, फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने के बाद डन पर क्लिक करते हैं। जैसे डन पर हम क्लिक किए यहाँ पर जियो पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर अलाउ पर हमको क्लिक कर देना है। उसके बाद देख पा रहे हैं अकाउंट डिटेल्स, आपका जो डिजी लॉकर में जितना भी आधार कार्ड में दिया हुआ है सारा ऑटोमेटिकली डिटेल्स जो है इसमें ऐड हो गया है, सिर्फ आपका ईमेल आईडी ऐड नहीं हुआ है। तो हम ये ईमेल आईडी को यहाँ पर डाल देते हैं, डालने के बाद नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जो फिनेंशियल सोल्यूशन, मतलब श्रीमती या मिसेस,
तो हम यहाँ पर अपना सर्टिफिकेशन चुनेंगे, उसके बाद पैन कार्ड डालेंगे, उसके बाद मैरिटल स्टेटस यहाँ पर चुनेंगे, उसके बाद फादर्स नेम जो पैन कार्ड में जो दिया हुआ है वही नाम सेम होना चाहिए, और फादर मिडिल नेम अगर है तो डाल सकते हैं, और फादर लास्ट नेम, उसके बाद मदर्स फर्स्ट नेम, मदर मिडिल नेम, मदर्स लास्ट नेम। उसके बाद जो है नीचे ऑक्यूपेशन, उसमें उसको सिलेक्ट करना होगा। इसी तरह पूरा फॉर्म को फिलअप करना होगा, फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। तो हम फॉर्म को फिलअप कर देते हैं, फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं, नीचे वहाँ टिक लगा देना है, टिक लगाने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे देख पा रहे हैं अगला इसमें ऑप्शन आ गया है एड्रेस डिटेल्स, जैसे परमानेंट आपका एड्रेस यहाँ पर डाल देना है, उसके बाद नीचे करेंट एड्रेस डाल के नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है डिक्लेयर नॉमिनी फॉर योर अकाउंट, इसमें जो नॉमिनी आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर नॉमिनी आप डाल दीजिए और बाद में भी डाल सकते हैं, क्योंकि एडिट करने का भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो इस पर हम यस कर देते हैं, उसके जैसे यहाँ पर हम यस किए, यस करने के बाद रिलेशन क्या है आपका नॉमिनी के साथ, तो वहाँ पर जो भी रिलेशन है, माता है, पिता है, या वाइफ है, या हस्बैंड है, जो भी रिलेशन होगा यहाँ पर चॉइस कर लीजिएगा। उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ डाल के, और उसके बाद नीचे आ गए कि नॉमिनी एड्रेस, और नॉमिनी का एड्रेस और आपका एड्रेस अगर सेम होगा यहाँ पर टिक का निशान लगा देंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो आपका एड्रेस है और नीचे का एड्रेस सेम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक किए, उसके बाद एक बार देख लीजिएगा कि फॉर्म सही है कि गलत है, अगर गलत है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, जैसे कि एडिट का ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है, हम प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जैसे प्रोसीड पर क्लिक किए, उसके बाद मेरा लास्ट स्टेप आ गया है वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन, और नीचे दिया हुआ है एवरी डे, मतलब किसी भी दिन आप वीडियो केवाईसी कर सकते हैं, संडे मंडे से कोई मतलब नहीं है, और लिखा हुआ है एवरी डे फ्रॉम 9:30 से रात 8:30 तक आप वीडियो केवाईसी कर सकते हैं। तो वीडियो केवाईसी करने के लिए आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, उसमें कैमरा अच्छा क्वालिटी भी होना चाहिए, और इंटरनेट का भी स्पीड सही होना चाहिए, ओरिजिनल पैन कार्ड है वो आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि वीडियो केवाईसी करते समय आपका डुप्लीकेट पैन कार्ड नहीं चलेगा, आपको ओरिजिनल पैन कार्ड ही चाहिए। उसके बाद एक आधार कार्ड भी आपके सामने रख लेंगे, और एक पैन, एक सादा पेपर, क्योंकि हो सकता है उसमें आपको साइन करने के लिए कहे। तो हम वीडियो केवाईसी करने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट कॉल विद द एजेंट, इस पर क्लिक कीजिए, अगर है तो क्लिक कीजिए, नहीं तो किसी दूसरे टाइम में भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अभी अकाउंट क्रिएट किए हैं तो अभी ये आपको वीडियो को केवाईसी करना होगा, तो हम अभी कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी हर चीज़ मौजूद है। तो स्टार्ट कॉल पर हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद मेरा एजेंट के साथ यहाँ कुछ अलाउ करने के लिए बोला जा रहा है, तो अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद जो है यहाँ टाइम स्टार्ट हो गया है, जैसे देख पा रहे हैं कि मेरा को वीडियो कॉल एजेंट के साथ कनेक्ट हो गया है, और हमसे जो पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है, आपका फादर्स का नाम क्या है, और आपका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ क्या है, और पैन कार्ड में क्या डेट ऑफ बर्थ है, ये सब पूछा गया हमसे। और जो वहाँ पर उसके बाद फिर से हमको पूछा गया आपका फर्स्ट नेम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, और आज कौन डेट है, और कौन सा महीना है, कौन सा साल है पूछा गया, तो इसका भी जवाब हमको देना पड़ा। उसके बाद आपका सोर्स इनकम क्या है वो भी पूछा गया, आपका एनुअल इनकम ये है, तो हम एस बोले। उसके बाद आपका ऑक्यूपेशन ये है, जवाब दिए एस है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, हम अपना मोबाइल नंबर बताए कि इतना इतना मेरा मोबाइल नंबर है। उसके बाद हमको बोला गया आपका बैक कैमरा हम चालू कर रहे हैं, और आपका पैन कार्ड हमको शो कराइए, तो हम अपना पैन कार्ड शो कराए। उसके बाद फिर से बोला गया कि बैक साइड भी शो कराइए, तो हम बैक साइड भी शो करा दिए। तो उसके बाद पैन कार्ड का कैप्चर कर लिया है सक्सेसफुल, उसके बाद फिर से फ्रंट कैमरा चालू कर दिया मैम। उसके बाद हमको बोला गया है कि आपका फेस इसके बीच में आना चाहिए। उसके बाद फाइनली हमको कहा गया है आपका फोटो कैप्चर हो गया है, और आपका जो है अकाउंट 3 दिन के अंदर चालू कर दिया जाएगा। उसके बाद वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो गया मेरा, और हमको बोल दिया गया है 3 दिन के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं मेरा अकाउंट कब तक चालू होता है, तो थोड़ा इंतजार किए हम, करने के बाद फिर से हम माई जियो को ओपन किए। ओपन करने के बाद साइड की तरफ स्क्रॉल किए, उसके करने के बाद बैंक पर हम क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद हम एयरटेल पेमेंट बैंक जो क्रिएट किए थे और उसमें जो पिन हम डाले थे उसी पिन से हम इसको फिर से लॉगिन करेंगे। तो जैसे हम इसको लॉगिन करते हैं तो इसमें खुल के आ जाता है कि माय अकाउंट नंबर, यहाँ पर मेरा अकाउंट नंबर शो करने लगा है। तो फाइनली हमको
अकाउंट नंबर मिल गया है, तो देखते हैं कि मेरा अकाउंट नंबर कितना देर में हमको मिला है, क्योंकि हमको बोला गया था 3 दिन के अंदर। तो हम देखते हैं मेरा अकाउंट नंबर कितना देर में सक्सेस हुआ है। जैसे कि देख पा रहे हैं, जो मेरा दोनों मैसेज जो हम एक्टिवेशन किए थे, ये वाला मैसेज है जो 4:28, जो 16:28 लिखा हुआ है, तो वो रेलवे टाइम है इसलिए शो कर रहा है। और उसके नीचे जो मेरा जो अकाउंट क्रिएट हुआ है, कंप्लीट हुआ है, उसका मैसेज आया है 8:41 पर, लगभग 4.25 घंटा के मार्जिन में हमको अकाउंट नंबर सक्सेसफुल हो गया है। जैसे देख पा रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन योर जियो पेमेंट बैंक अकाउंट। तो आगे देखते हैं ये मेरा अकाउंट नंबर, उसके बाद हम प्रोफाइल में जाएंगे, प्रोफाइल में देखेंगे क्या क्या उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, और मेरा उसमें किस तरह का अकाउंट हमको मिला है, किस तरह का आईएफएससी कोड है, और मेरा एटीएम कार्ड कहाँ पर है। जैसे कि देख पा रहे हैं ऊपर अकाउंट नंबर, उसके बाद आईएफएससी कोड, और उसके बाद चौथा नंबर पर जो दिया हुआ है सेविंग, मतलब अकाउंट टाइप जो है क्या खुला है, करंट है कि सेविंग है, तो यहाँ पर सेविंग लिखा हुआ है। और उसके नीचे जो है कार्ड नंबर, कि मेरा कार्ड नंबर भी हमको मिल गया है, आइकन पर हम क्लिक किए, क्लिक करने के बाद मेरा जो जियो पेमेंट बैंक का एटीएम कार्ड शो करने लगा है। तो इसी तरह आप जियो पेमेंट बैंक में खाता खोल सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें और